नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ए मनोज पुड़वे जी, आप लाजवाब हो, आपका जवाब क्या हो? मैं कैसे रहता हूं, कभी अपने गांव में छठ पूजा में छठ व्रतियों के सामने साड़ी लेके खड़े हैं, कभी मंच बनवा रहे हैं, कभी अपने समाज के लिए वहां लड़ रहे हैं। देखिए, मेरा तो मानना है कि एक न एक दिन जाना तो पड़ेगा सबको, ये तो तय है। लेकिन जाने से पहले अगर आप अपने समाज को कुछ दे के जाते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी कीमती होती है। और मनोज पुड़वे जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम उनको विधानसभा में भी देखते हैं। लेकिन पूरी समाज को मदद करने का मेरे में दम है। आपके सही दोस्त हम हैं, आपके सही दोस्त हम हैं। लेकिन मैं आपको ज्यादा मदद नहीं किया हूँ। मुंबई राजधानी भारत की आर्थिक राजधानी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक वहां रहने का अधिकार है। और उसी तरह लाखों की संख्या में हमारे बिहार के यूपी के लोग यहाँ रहते हैं। मेरी पार्टी बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा करने वाली पार्टी है, मानव का भी सुरक्षा करने वाली पार्टी है। जहाँ भी अन्याय होता है उस अन्याय को खत्म करने का काम करने वाली मेरी पार्टी है। मेरी पार्टी किसी के बाप को डरने वाली पार्टी नहीं है। और हम तो गरीब लोग हैं, हम झुकी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाला आदमी, जय भीम का नारा देने वाला आदमी, जब हम देखे हैं जय भीम का नारा तो जाग जाता है भारत का। जब हमारे सामने चमकता है बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसा तारा, हमारे सामने चमकता है बाबा साहब अम्बेडकर जैसा तारा, क्योंकि हम लोग हमेशा बजाते हैं हमारे दुश्मनों के बारा। इसलिए आज मुझे पहले आपके मनोज पूर्वे जी मुझे मिले थे फाइट में, सब हमारी कार्यक्रम था। ये हमारा सातवां वार्षिक कार्यक्रम था। हमारे समाज का जो नाम है वो वैसे भारतीय सूरी समाज है, मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और ये जो कार्यक्रम हम लोग हर साल में एक बार करते हैं, ये पारिवारिक मिलन समारोह होता है। इसके अंदर हमारा जो उद्देश्य है, जो समाज के लिए आज तक हम कर रहे हैं और भविष्य में जो करने वाले हैं, उसका लेखा जोखा बनाते हैं और उसे हम लोगों को बताते हैं। हमारे समाज के लोग, हम प्रॉपरली मूलवासी बिहार से हैं और हमारे समाज के लोग हिंदुस्तान में हर जगह पर है, तो हमारा जो समाज है वो राष्ट्रीय लेवल पर रजिस्टर्ड है। और सभी लोगों को हम मुंबई में आमंत्रित करते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ये जो लोग हम एक दूसरे को नहीं जानते उनसे जान पहचान भी हो जाता है और हमारा जो उद्देश्य है वो हम उन्हें बता पाते हैं। आज के कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो न्याय मंत्री रामदास आठवले जी, जो सेंट्रल मिनिस्टर है और वो आज आए हुए थे, उन्होंने भी हमारे समाज को मजबूत होने का एक अच्छा आश्वासन दिया और साथ में समाज के लिए हर वो सपोर्ट जो वो कर सकते हैं वो सारी सपोर्ट करने का उसने आश्वासन दिया मुझे। और ये हमारे समाज की मजबूती के लिए एक बहुत बड़ा मोहरा हो सकता है। ये हर एक साल की तरह इस बार भी कार्यक्रम वैसे भारतीय सूरी समाज का शादी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मेन उद्देश्य है और यही उद्देश्य को लेकर के हम लोग करते हैं। ये कार्यक्रम मुंबई के लिए, मुंबई वासियों के लिए, मुंबई की तरफ से हुआ था। मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अरुण पूर्वे जी हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था और ये पूरे देश लेवल पर जहाँ जहाँ भी हमारे समाज की संख्या है वहाँ ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। आपके संस्था में कितने सदस्य हैं और किन राज्यों में कार्यरत हैं? ये बिहार जहाँ हम लोग मूलवासी हैं, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, बनारस, जो बिहार के बॉर्डर है वहाँ हम लोग वहाँ के मूलवासी हैं, उड़ीसा में, दिल्ली में, खास करके उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ के झारखंड, यहाँ के हम लोग मूलवासी हैं। वहाँ एक समाज में जैसे शादी, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए हम लोग और स्वास्थ्य और शादी, दहेज पर हम लोग कर रहे हैं, दहेज पर चर्चाएं हुई है कि दहेज मुक्त जो है ना हमारा समाज हो, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश देते हैं।